हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल देसी गर्ल वीलॉग्स। तो गाइज, आज मैं आपको लेके आई हूँ रणथंबोर के बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट में, जहाँ पे आप वेडिंग्स भी कर सकते हैं, कोई भी इवेंट कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं और सफारी के लिए जा सकते हैं। तो उस रिजॉर्ट का मैं आपको टूर कराने वाली हूँ, और अगर आपको वेडिंग करनी है तो आप हमारे थ्रू जा सकते हैं। मैं अपनी डिटेल्स दे दूँगी, हमारे थ्रू आपको बेटर डील मिलेगी, तो इसलिए आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा। और मैं आपको फुल प्रॉपर्टी दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी प्रॉपर्टी है और इससे क्या व्यू आता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, ये है इसका आउटर लुक इस रिजॉर्ट का। आप देख सकते हैं कि इतना ब्यूटीफुल लुक है। यू ब्रीथ बट आई कांट सी इफ यू राइट हियर नेक्स्ट टू मी समथिंग्स रॉन्ग वाजंट इट फन। अब हम एंटर कर चुके हैं इसके रिसेप्शन एरिया में, और रिसेप्शन को देखते ही लगता है कि सीरियसली हम एक जंगल में आ गए हैं। ये इस रिजॉर्ट का पूरा जो फील है वो जंगल फील है, और यहाँ से माउंटेन्स भी दिखते हैं। तो अगर आप अपनी वेडिंग के लिए कुछ ऐसा रिजॉर्ट देख रहे हैं जो जंगल फील हो, एक नेचुरल लुक हो, तो ये रिजॉर्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा ब्रिज बना हुआ है, और ये रिजॉर्ट स्टार्टिंग से इतना खूबसूरत है, इतना ग्रीन है। बेसिकली आपको ज़्यादा डेकोरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ की जो नेचुरल फील है वो ही नेचुरल डेकोरेशन आपके लिए काम आएगी। तो आपका डेकोरेशन में भी खर्चा कम आने वाला है, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से मेंटेन्ड है, और चारों तरफ ग्रीन्स ही ग्रीन्स हैं। आप देखेंगे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, और इन्होंने बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इस रिजॉर्ट को। और काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है, और आपको इसमें काफ़ी बड़े बड़े लॉन्स भी मिलेंगे, और ये देख सकते हैं ये पाथवे जिसको आप बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। और जो इनका मेन लॉन है, ये वाला लॉन है, काफ़ी बड़ा लॉन है ये, और यहाँ पे आप इजीली वेडिंग और संगीत की डेकोरेशन कर सकते हैं, और जैसा भी आप चाहें। स्पेस काफ़ी अच्छा है, एंड यू नो डेकोरेशन आप जिस तरीके की चाहेंगे यहाँ पे हो जाएगी। और इनके पास और भी लॉन्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं सामने ये लॉन भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आप कोई भी छोटा फंक्शन लाइक हल्दी मेहंदी, यहाँ तक कि अगर आप संगीत भी करना चाहें तो आप इजली कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बाकी एरिया भी दिखाती हूँ। जो इस रिजॉर्ट का मेरा फेवरेट पार्ट है वो ये पाथवेज हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, और इसका सबसे बेस्ट पाथवे लगता है मुझे ये वाला जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। गाइस देखिए कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ पे आप आराम से अपनी वेडिंग शॉट्स ले सकते हैं, प्री वेडिंग शॉट्स ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इनके रेस्टोरेंट की तरफ, दी रोर, या ये इनका रेस्टोरेंट एंड बार इसके ऊपर है। ये रेस्टोरेंट में आप आराम से यू नो 70-100 पीपल कैन गैदर, और आपका जो लंच और ब्रेकफास्ट होगा वो ये यहीं पे होगा। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड है, और इनका जो खाना है वाओ, बहुत ही अच्छा खाना है। इनके शेफ बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, स्पेशली डेजर्ट्स। तो यू नो आप कोई भी वेडिंग अगर आप यहाँ पे करते हैं तो खाने की तो आप टेंशन ना ही लें, बिकॉज खाना इज़ ऑसम। Hey, I've been dreaming about you. अब हम चलते हैं इनके स्विमिंग पूल की तरफ और इनका बार देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल काफी बड़ा है, और यहाँ पे काफी स्पेस है कि आप आराम से हल्दी मेहंदी की डेकोरेशन कर सकते हैं। स्विमिंग पूल के ऊपर भी आप स्टेज बना सकते हैं, और साइड में भी काफी स्पेस है कि आप आराम से उसके लिए उसको यूज कर सकते हैं, मेहंदी की डेकोरेशन के लिए, हल्दी की डेकोरेशन के लिए, और बहुत ही प्यारा लगेगा। ऊपर जो एरिया है वो इनका बार का एरिया है, वो भी हम देखते हैं, और वहाँ से जो व्यू आएगा गाइस बहुत आता है वो।
फॉर योर तिलक, हाथ वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हैं इफ यू वांट। यहाँ से व्यू भी अच्छा है और अंदर बार भी, अगर आप यू नो बार का भी सेटअप चाहिए या कॉकटेल चाहिए तो यहाँ पे इनका बार भी बना हुआ है। एंड इफ नॉट तो आप, हम इसको क्लोज करवा देते हैं और बाहर तिलक वगैरह का प्रोग्राम कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो रूम्स बने वो विला स्टाइल रूम्स हैं, यू नो चार चार रूम्स एक विला में है, तो यहाँ पे आप सेक्शंस डिवाइड भी कर सकते हैं। बॉयज साइड को आप एक साइड दे सकते हैं, गर्ल्स साइड को आप एक साइड दे सकते हैं, और यहाँ पे बीच में जो एरिया बना हुआ है इसको आप इजिली फेरों के लिए, हल्दी के लिए, मेहंदी के लिए, जैसे भी आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपने टेस्ट के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। हमने जो वेडिंग कराई थी उसमें हमने ये फेरों के लिए यूज किया था, तो दैट्स अ वेरी बिग प्लेस और आराम से अच्छी खासी गैदरिंग यहाँ पे इकट्ठी हो सकती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पा भी है और रूम्स, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे हैं, और काफी अच्छे रूम्स हैं, काफी बड़े और स्पेशियस रूम्स हैं, वो मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ। Nothing would remain and you don't wanna go, so go. तो गाइस आप देख सकते हैं रूम सारे न्यूली रिनोवेटेड हैं, सारा न्यू फर्नीचर है। तो अगर आप अपनी वेडिंग के लिए इस रिजॉर्ट को चूज करेंगे तो आपको रूम्स क्वालिटी आप देख सकते हैं ये मिलने वाली है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब हम इस रूम का वॉशरूम देखते हैं जो कि काफी स्पेशियस है, और इन्होंने लॉकर भी प्रोवाइड किया है जिसमें आप अपनी वैल्यूएबल्स आराम से लॉक कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस एंड टेंशन। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल वॉशरूम है, अगेन इट्स टोटली न्यूली रिनोवेटेड एंड स्पेशियस भी बहुत ज़्यादा है। इस रिजॉर्ट में टोटल 49 रूम्स हैं, जिसमें से 7 रूम्स बिल्कुल ऐसे हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रूम्स हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि आई थिंक आई कैन शो यू 2 कैटेगरीज, बट अगेन एवरी रूम्स इज रियली प्रिटी। तो अभी मैं आपको ये रूम दिखा चुकी हूँ जो कि 7 रूम्स हैं, और अगर आप अलग से बुक करना चाहते हैं तो इसकी कॉस्टिंग अराउंड 10,000 विद ब्रेकफास्ट होती है, एंड वेडिंग की कॉस्टिंग अलग होती है, जो कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूँ। अभी हम नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं और हम इनका बैंक्वेट हॉल भी देखेंगे। तो गाइस अब हम जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रूम्स देखने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा एक एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, यहीं पे इनका स्पा है, और ये टोटल 8 रूम्स हैं जो कि सेम कैटेगरी के हैं। तो लेट्स सी दीज रूम्स ऑल्सो न्यूली रिनोवेटेड रूम, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। जिसको देख के ऐसा थोड़ा जंगल फील आती है, यू नो वुडन जो रूफ है और जो फर्नीचर है, जो पेंट स्टाइल है वो स्टोन के यूज किया हुआ है, और मतलब यू नो इट्स लुक लाइक कि आप एक जंगल रिजॉर्ट में आ गए हैं। और ये टोटल 8 रूम्स है और ये बिल्कुल बैक साइड में बने हुए हैं, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं अपनी ब्राइड की फैमिली के लिए या ग्रूम की फैमिली के लिए, ताकि थोड़ा सेपरेट हो जाए। तो आप, मैं आप इसको यहाँ का आपको वॉशरूम भी दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं ये रूम है पूरा कंप्लीट, बहुत ही खूबसूरत है, और जिसको वॉशरूम है वो भी पूरा एक अलग ही स्टाइल में बनाया हुआ है। जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो टोटली डिफरेंट स्टाइल था और ये बिल्कुल अलग है। तो गाइस बाकी रूम्स हम नहीं देख पा रहे हैं, बाकी कैटेगरीज बिकॉज वो फुली बुक थे, बट मैं आपको इतना बता देती हूँ कि रूम के साइजेस उतने ही थे, और वहाँ पे बड़े बेड्स डले हुए हैं जिसमें आराम से 4 लोग आ सकते हैं, किंग साइज से भी बड़े बेड्स हैं। और ये पूरा एरिया है जो रूम्स के एरिया है, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक और सर्कल एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ से ये सेकेंड एंट्री है अगेन, तो ये पूरा रिजॉर्ट का लुक है। और मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ बैंक्वेट, जिस अगर यू नो इफ यू डोंट वांट टू यूज लॉन, और अगर आप गर्मी में वेडिंग कर रहे हैं
तो आप इनका बैंक्वेट हॉल भी यूज कर सकते हैं, तो वो अब हम देखते हैं। इस हॉल में आराम से 100 टू 150 की गैदरिंग हो जाती है और इनके पास स्टेज का भी स्पेस है, और अगर कोई रेन वाली सिचुएशन है देन ऑल्सो वी कैन शिफ्ट इन टू बैंक्वेट हॉल। तो ये रिजॉर्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा अपनी वेडिंग के लिए, और ये आपके बजट में भी आ जाएगा। यू नो आई कैन टेल यू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट लोकेशन है, और इस रिजॉर्ट में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। इनके पास अच्छे लॉन्स हैं, रूम्स इनफ हैं, एंड यू नो बैंक्वेट हॉल है। तो आई टेल यू कि अगर आप यू नो बजट वेडिंग या मतलब एक आपका ज़्यादा हैवी बजट नहीं है तो आप इस रिजॉर्ट को ईजिली चूज़ कर सकते हैं, तो हम आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। और यू कैन इफ यू वांट यू कैन विजिट दिस प्लेस, एंड इफ यू लाइक इफ यू गो थ्रू अस यू कैन गेट लॉट ऑफ डिस्काउंट। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस अब इतना ही, ये रिजॉर्ट मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, एंड अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। मेरे को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस मैं लाती रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।